मैं हरनाज संधु हूँ, मैं पंजाब से हूँ, मैं 21 साल की लड़की हूँ। मैंने मास्टर्स की है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में, मैंने आर्ट्स ली थी। और मेरे मम्मा एक डॉक्टर हैं जो फेमिनिन हाइजीन के बारे में काफ़ी मुझे हेल्प करते रहते हैं, मैंने उनके साथ काफ़ी हेल्थ कैंप्स भी किए हैं। उसके लिए मैं आप सबसे पूछना चाहती हूँ कि आप अपने हेल्थ का कितना ध्यान रखते हो पर्सनली? आप में से कोई कुछ बोलना चाहे प्लीज 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 आओ मेरे साथ शेयर करो। माय नेम इज कुसुम एंड मैं एक्सपीरियंस शेयर करना चाहती हूँ हाइजीनिक के बारे में। तो पहले गांव में लोग जब पैड्स सैनिटरी पैड्स नहीं थे तो कपड़े यूज करते थे, कॉटन के। यहाँ पर आने के बाद पता चला कि पैड्स भी होते हैं जो हम यूज कर सकते हैं, लेकिन मम्मी से छुपाना पड़ता था क्योंकि मम्मी चिल्लाते थे, मारते थे, मतलब ऐसा क्यों, ये बात क्यों हो रही है, सबके सामने नहीं बोला जाता है, तो इतनी छोटी थी कितना पता चल गया वगैरह। तो जब हम लोगों को ऐसे आता था तो मम्मी बोलते थे कि ये चीज नहीं छूना है, अभी नेल पेंट भी कोई नया सामान रहेगा तो छूना ही नहीं है, ऐसा था कि वो खराब हो जाएगा अगर हम लोग छू लेंगे वो। मैं यहाँ बोलती हूँ कि मुझे किस किस चीज से डाउट आया, पीरियड्स के बारे में डाउट आया, मुझे गुड टच बैड टच क्या होता है इसके बारे में डाउट आया, सेक्स क्या होता है इसके बारे में डाउट आया, मतलब अलग अलग चीजें ऐसा होते जो पब्लिक प्लेस में बात नहीं कर सकते। और अगर हम बात भी करेंगे तो कोई ऐसा होता है कि कितनी, कोई कोई मुंह पे बोल के जाता है तुम कितने गिरे हुए हो। मेंस्ट्रुएशन है, नेचुरल है, ये हम लोगों ने तो लाया नहीं है कि हम हमारी वजह से हो रहा है ये, और इसी की वजह से हमारी जनरेशन आगे बढ़ रही है। बिल्कुल, तो सबको पता होना चाहिए, एक कॉमन बात है। तो प्लीज मेरी ये रिक्वेस्ट है, कपड़ा यूज मत करो, जो भी डाउट है बिंदास पूछो मेरी तरह जैसे मैं हूँ। वेरी गुड, आई एम सो प्राउड, वेरी गुड, वेरी नाइस। इट्स सो इम्पोर्टेंट टू टीच द फ्यूचर ऑफ टुमारो द यूथ। माय अर्ज इज टू मेक ईच एंड एवरी पर्सन रियलाइज द मीनिंग ऑफ फेमिनिन हाइजीन। Through this platform and my cause, I want to inspire thousands of other women to believe in themselves and to have a purpose in their life.